मादक पदार्थों पर लगातार कार्यवाही के बावजूद भी नहीं रुक रहा यह धंधा। पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए एक आरक्षक सहित तीन युवकों को लगभग 50 किलो गांजे के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस कंट्रोल रूम में इस मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 11 बजे गुड़ थाने में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ गांजा लेकर कुछ लोग महसाव रेडियो स्टेशन के पास से निकलने वाले हैं, जिसकी सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया, जिसके बाद रेडियो स्टेशन खजुहा के पास घेराबंदी की गई, जहां पर एक ओमनी वाहन बिना नंबर प्लेट की बड़ी तेजी से आती दिखी, जिसको रोका गया और कार की तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए और करीब 50 किलो गांजा गाड़ी से बरामद हुआ। जिस गाड़ी से गांजा मिला उसमें पुलिस का आरक्षक प्रदीप मिश्रा कोठी निवासी एवं महाजन टोला निवासी शरव मिश्रा बैठा हुआ था और उसके पीछे एक कार और आ रही थी जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है व अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस ने इन पर मामला दर्ज कर लिया है और जब्त वाहनों को थाने में खड़ा करा लिया है। इस गांजे को पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। 10 और 11 की दरमियानी रात में मुंबई से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो है गांजे की खेप लेकर के ये गुड़ में से गुजरने वाले, तो जो है घेराबंदी करके दो गाड़ियों को रोका गया। इसमें से एक गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर जो कि बिना नंबर की है और दूसरी गाड़ी है ओमनी, वो भी बिना नंबर की है। स्विफ्ट डिजायर में से करीब 50 किलो गांजा, एग्जैक्टली 49 किलो 500 ग्राम गांजा जो है वो जब्त किया गया। आरोपियों में से वहाँ पर घटनास्थल पर 5 आरोपी मौजूद थे, उनमें से 5 आरोपी जिनका नाम है, एक का नाम है सौरभ मिश्रा निवासी महाजन टोला, दूसरे का नाम है प्रदीप मिश्रा निवासी कोठी, तीसरे का नाम है हरीश मिश्रा निवासी सिरसा और चौथे का नाम है राहुल पांडे निवासी लक्ष्मणपुर, पांचवे का नाम है झंकू उर्फ पिंटू। इन पांचों में से घेराबंदी करके पुलिस को 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। जो भागने में सफल हुए उनका नाम है राहुल पांडे निवासी लक्ष्मणपुर और झंकू उर्फ पिंटू, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले, ये लोग मौके से भागने में सफल हो गए और बाकी लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके अब आगे जो है इसमें इनके कहे अनुसार जो है विवेचना की जाएगी।